ओम शांति। आज 12 सितंबर 2023 हम सुन रहे हैं साकार हिंदी मुरली आज के महावाक्य। इस महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने की उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटे को सैपलिंग लगाते हैं और नाम देते हैं वन महोत्सव। तुम कांटे से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारी जैसा उत्सव और कोई नहीं मना सकता। आज का गीत, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना तेरा जीवन में। ओम शांति। यो किसने कहा, यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्मा तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमद देते हैं। यह श्रीमद देने वाला कौन है उनको भी समझना चाहिए। यह तुम्हारा पराई चल रहा है, वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा बोलती है, मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। ये तो जरूर है, सब पतित थे ना। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला सर्वगुणों का सागर बाप है। वो बेठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाता है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुणों संपन्न बनना है, सुलकला संपन्न बनना है। कहते हैं ना, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो। जब सर्वगुणों संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को बर सकेंगे। नारद को कहा था ना, ये तुम्हारी इस समय तुम सब नारद रूपी शिक्षा ले रहे हो। पहले तो बाप का परिचय क्लियर देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है जिसके लिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख देने रे। उस परमपिता परमात्मा की बड़ी महिमा करते हैं, कहते हैं शिवाय नमः। अब वो तो स्वर्ग की रचयिता है। जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हौक है, बर्थ राइट है। बहुत के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है, जो हमको देते हैं बाबा, हम लेते हैं बाबा से। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी ना, अभी नहीं है। जरूर बाप से ही मिली थी, भारत ही सचखंड बनता है। यो शिव बाबा का यो जन्म स्थान है, यह ब्रह्मा का रथ किराया पर लिया है, यो कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है ना, वो कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ का गर्भ में जन्म हुआ होते हैं। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा कोई मातृगर्भ में नहीं आते, वो अजन्मा अभुक्त अजनी संभवा। शिव बाबा आती ही तब है जब ब्रह्मा की रात पूरी होता। रात के बाद दिन अर्थात कलियुग का अंत और सत्ययुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। यो बहुत की बात हो गई ना, हद की। तो ये बहुत की बात भी है, बहुत की रात भी है। हद की रात तो होती है, परंतु कलियुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। सदगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता। पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। तुम अच्छा रीति जानते हो तो अनुभव करके दूसरों को बताओ। समझो कोई बादशाहों को बच्चा नहीं है, संतानहीन है। किसी गरीब के बच्चों को गोद में लेता है तो बच्चा दिल से जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाहों का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कांगाल बन गए थे। अभी हम
बहुत के बाप के बने हैं, बाबा हमें तो राजाओं का राजा बनाएंगे, तो उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है, उत्तराधिकार मिलना है, हमें बर्थ राइट दिलाना है, तो ये अच्छी तरह परिचय देना है क्लियर करके और फिर लिखा कर लेना है। हमको बहुत का बाप से बहुत का वर्षा मिलता है, यो ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। सारा दुनिया ढूंढ कर आओ, सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तो वो फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से तो निकल गए, खलास, उनका कोई तो प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, उनका तो निवृत्ति मार्ग हो जाता। यह तो गृहस्थ धर्म की बात है, गृहस्थ में रहो करके तुम पवित्रता का पवित्र प्रतिज्ञा करके दिखाओ। वो गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्यों से तुम पुजारी बन आपने पूजा भी करते हो ना, जब तुम पूज्यों सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं। सत्ययुग त्रेता में कोई पूजा पाठ होता ही नहीं, कोई शास्त्र पाठ होता ही नहीं, रावण होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्यों से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्यों देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है आप ही पूज्यों आप ही पुजारी, बाप पूज्यों और पुजारी नहीं बनते, ये तो तुम्हारे लिए, बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बेट पूजा करते हैं, तो हम उनके बच्चे तो है ही, तो है परमपिता परमात्मा तो ऐसे कहेंगे ना, हमें सुखधाम में ले चलो, अभी तो हम दुखी हैं, पतित हैं। वो तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार, तो शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव, यो आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे यो भी जान गए हो कि जो अच्छा कर्तव्य करके जाते हैं तो उनको ही महिमा गाई जाती है। शिव बाबा ऐसा कौन सा अच्छा कर्तव्य करके गाया, तम प्रधान दुनिया को शतप्रधान बनाया, नर से नारायण बनाया मनुष्य को, पतित मनुष्य को देवी देवता बनाया। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो, इतना महान कर्तव्य करने वालों को तुम अभी माता पिता कहते हो, बंधु सखा कहते हो। तुम्हारी सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख धनेरे पाएंगे, ये तुम निश्चित हो गए ना, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो ना, दोनों तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, डबल इंजन तुम्हें प्राप्त हुआ है। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो बच्चे शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहा है, उनका आँख द्वारा तुमको देख रहा है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा कि मैं देह सहित देह का सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो, ये शिक्षा तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा है, ये श्री कृष्ण तो कहो ना सके, ये तो बाप ही को हो सकते हैं। तो यो बड़ी भूल हुई ना शास्त्रों, तुम्हें बहुत गलत दिशा दिखाया। लक्ष्मी नारायण से लेकर जथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ है, वही सब 84 जन्म लेकर के तम प्रधान बने हैं। तो मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, जथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तुम्हारा लीप जन्म है, स्पेशल जन्म है। तुम कोरी से हीरे तुल्य बन रहे हो, लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है, दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं, जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है, पॉइंट्स निकालती रहती हैं, वो ये ऐड होती जाएगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना, रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बना करके उनको बैठ पूजा करते हैं, आत्मा की पूजा होती है ना। इस समय तुम ज्ञानवान बन चुके हो, मास्टर नॉलेजफुल बन चुके हो, तुम जीवात्माओं ने ही भारत को शीर्ताज बनाया, इस समय खुदाई खिदमतगार बने हो, रूहानी सोशल वर्क कर रहे हो, तो आत्माओं की पूजा करते हैं, ये तो ज्ञान हो गया ना। परमपिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, शिवलिंगों के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं, तुम्हारा पूजा होता है, तो
मुझको पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। शिव बाबा ने जन्म लिया परंतु माता के गर्भ में थोड़ी ही जन्म लेते हैं, तो वो है ही निराकार, हमारा पिता शिक्षक सदगुरु है। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना, आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा दुख सुख यो आत्मा को भासता है। ये तुम्हारा अनुभव है, लौकिक दुनिया में भी तो ये रसम चलते आया है। आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा को सुख या दुख तब भासता है जबकि शरीर है, तो बाबा को तो शरीर नहीं। बाबा ने समझाया है साजा कैसे मिलती है तुम जानते हो, सूक्ष्म शरीर भी नहीं थूल शरीर धारण कराए साजा देते हैं, गर्भ जल से साजा खाते हैं। तो गर्भ जल में बच्चा क्या करते हैं, त्राही त्राही करते हैं ना, बस मुझे बाहर निकालो, इस बार निकालने से हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है ना, बाहर निकालने नहीं चाहते हैं, यह दृष्टांत तो है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप कर्म होता ही नहीं, वहाँ कोई रावण होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही है ही अजामिल जैसे पतित, बहुत पाप करते हैं, पावन मना निर्विकार, मूल बात ही तो विकार की है, इसीलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, उनको महात्मा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते वो तो रजोगुणी सन्यासी है, मनुष्य सब पतित है ना, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अब राजा तो राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राजा राम तो त्रेताजुगी राम को कहेंगे, दशरथ का बेटा को कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वो तुम्हें इस समय तो सदगुरु का पाठ बजाते हैं, तो राजा राम नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ, मेरा तो शरीर है ही नहीं, मैं तो परम धाम में सीधा चला जाता हूँ। श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं बनते, मैं तो निराकार पुनर्जन्म रोहित हूँ, मैं अजन्मा अभोक्ता अजनी संभवा हूँ। शरीरधारी जो हैं वो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, अर्थात ब्रह्मा का तन को मैं आधार लेता हूँ, किराया पर लेता हूँ, अवतरण होता है मेरा। यो अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। बाप बेट समझाते हैं तुम सो देवी देवताते फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, है ना, यह तुम्हारा जीवन कहानी है। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर जरूर समझेंगे। तो बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, कहा जाता है ना एक कुछ पीरी का वर्षा, बहुत का बाप बहुत का सुख का वर्षा देते हैं ना, लौकिक बाप से तो अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख मिलता है, अमर लोक में आदि मध्य अंत का सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, क्योंकि कलियुग है ना। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तीसरी की कथा सुनाते हैं। भारतवासी सदा सुखी थे ना, बहुत पवित्र थे, पवित्रता हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब तुम्हारा था, पीस प्रॉस्पेरिटी सब तुम्हारा था, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे, नाम ही है स्वर्ग हैबिन बहिष्ट। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई खंड आदि नहीं थे। झार का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते थे, बरोबर देवी देवताओं का चित्र दिखाई देता है, तो वो था फाउंडेशन। तुम ही इस समय रूहानी सोशल वार करते हैं परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं, अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सत्ययोग का राधे कृष्ण का योरा बन सकते हो, आओ तो हम आपको समझाएं। तो इस प्रकार से तुम परमपिता परमात्मा का परिचय देकर के सबको ज्ञान सुना सकते हो, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम तो सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो, इस समय तुम सब जानते हो, इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख नहीं सकते। कहते हैं
सब धर्म मिलकर के एक हो जाए, कॉन्फ्रेंस करते हैं, परंतु ये कैसे हो सकता। एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत एक भाषा थी, ताली नहीं बसती थी, विश्व के मालिक थे, और कोई धर्म नहीं था, वो कैसे बने। फिर और धर्म कैसे आए, यो कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं, सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने बारे में कोई उनका कोई जानकारी नहीं, ये बिल्कुल ही पतित बन जाती हैं। तब ही पतित पावन बाप आते हैं और धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछारी औरों को बुलाते हैं आओ, तो उनको तो सतो रजो तमो में जाना ही है कंपल्सरी। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो तक बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो, सब बुलाते हैं गॉड फादर आओ, हम दुख में हैं, हमें शोक का दुनिया में ले चलो, आकर के हमको हैबिन में ले जाओ। वो हैबिन कोई मुक्ति नहीं, हैबिन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं, तुम समझते हो हैबिन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। इस समय तुम्हारा कोई गलत फहमिया नहीं, तुम आसानी से पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है। फिर जंगल के कांटे का सैपलिंग लगा रहे हैं, रात दिन का फर्क है ना, तो उनका भी उत्सव मनाते हैं, तो वनोत्सव कहा जाता है। झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने की रोज उत्सव बनाते हो, तुम्हारी जैसा महान कर्तव्य कोई दुनिया में नहीं कर सकता है। रोज मनुष्य से देवता बनाने की पुरुषार्थ करते हो, कांटों से फूल बनाना यह तुम्हारा ये रोज दिन का काम है, रोज का उत्सव होता है। बागवान शिव बाबा फिर जरूर इनका इनाम तुमको जरूर देंगे, एक और जन्मों का गारंटी जीवन तुमको देंगे, सतयुग त्रेता में तुम्हें कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। बच्चों ने गीत सुना है ना, प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, पाप कितना किया पुण्य कितना जमा किया। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को बरने लायक बने हो ना, कोई अवगुण तो नहीं है, भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं, बड़े बड़े दीपकों को बुझा देते हैं, उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब वार करेंगे, मजबूत रहना है ना, इसमें मुरझाने की कोई बात नहीं। बाप से योग तोड़ नहीं देना है, सबका खिबया वो बाप है। विषय बैतरणी की बड़ी खारी है ना, उसे तुम योगोबल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम खीर सागर में चले जाएंगे, सतयुग में तुम्हारा खीर सागर में बहुत सुख आनंद मिलेगा। विष्णु का राज्य खीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है, तो यहाँ तो देखो घासलेट की रक्तों की नदियाँ बहती रहती है, खून खराबी होती रहती है, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहा है, बहिष्ठ में जा रहा है, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया, गृहस्थ व्यवहार को तो अधर्म बना दिया है, तो वहाँ है गृहस्थ व्यवहार धर्म। अभी तुमको बाप श्रष्टाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं, कितना तुम्हें लटारी मिल रहा है ना। पहले मुख्य है बाप का परिचय देना क्लियर करके। तुम बाप को बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो, तो यह है दुखोदम। सबको निमंत्रण दो, भाई और बहनों आओ, हम तुमको बाप का परिचय देंगे। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्तिधाम, इसीलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। एक आँख में शांतिधाम, एक आँख में शोकोदाम होना चाहिए। याद करते करते अंतोमोती सोगोती हो जाएंगी, तो याद रखो हमारी 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम काल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी सकल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारी नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक नंबर, योगबल से विषय वैतरणी की बड़ी खारी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, माया बहुत उल्टा संकल्प ला करके देंगे, मजबूत रहना है। नंबर 2, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को
सिरताज बनाने की सेवा करनी है, तुम खुदाई खिदमतगार होना। वरदान ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भावो। इनका अर्थ तो है लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा को भी जिम्मेवारी निभाना, तो इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति भी है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझ कर।